हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो लेक्चर लिए उसमें पूरा कवर किया था सिंपल सर्किट का चैप्टर। ठीक है, तो अब हम ले रहे हैं सिंपल सर्किट से में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इन प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हम जो टिपिकल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो एक ये कॉम्बिनेशन है आपके सामने इस तरह का। ठीक है, तो ये अगर हम देखें, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये इस तरह का बनेगा। ये इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा व्हीट स्टोन ब्रिज तो है, और ये भी ये और भी यहाँ होगा। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो है, लेकिन ये बैलेंस्ड है कि नहीं ये देखने के लिए क्या करेंगे अपन, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होना चाहिए। तो इसका रेशियो है R अपॉन 2R और इसका रेशियो है 2R अपॉन R, तो नहीं है इक्वल। तो ये क्या है, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। क्या नहीं है, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम किरचॉफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, या इसको हम ये जो डेल्टा है इसको स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक दो डेल्टा दिखाई दे रहे हैं हमें, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं जिनको हम डेल्टा कहते हैं। तो दो डेल्टा में से एक डेल्टा को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में, स्टार में, तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये किस तरह से सॉल्व होगा वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये हट जाएंगे और ये आ जाएंगे। ठीक, तो इसका फॉर्मूला तो अभी हमने पहले लेक्चर्स जो हमने लिए थे कैपेसिटेंस के, तो उन लेक्चर्स में ये फॉर्मूला देखा था, यानी डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना है तो सी वन की वैल्यू ये आई थी, और अगर डेल्टा स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करना है तो सी ए वी की वैल्यू ये आई थी। मतलब क्या था कैपेसिटेंस के केस में, क्या था, अगर हमको ये निकालना है ये वाला, ठीक, तो नीचे सबका जो है मल्टीपल एक दूसरे के संग में करके तीनों बार आ जाएगा, मतलब सी ए बी सी बी सी सी ए सी करके एक दूसरे से सी ए बी इंटू सी बी सी सी बी सी इंटू सी ए सी सी ए बी इंटू सी ए सी, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इसके सामने वाला सी बी सी सी वन के सामने वाला। इसी तरह से जब इसको कन्वर्ट कर रहे थे हम सी ए बी को, सी ए बी की वैल्यू निकाल ली थी हमें, तो ऊपर लेंगे इसके जो इसको कवर करते सी वन सी टू, और नीचे लेंगे तीनों का बट एडिशन। अब इसको हम कर, ये फॉर्मूला हमने काय का था, ये फॉर्मूला था कैपेसिटेंस का। अभी इसी कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, हम उसको
रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में क्या होता है, वन अपॉन ये इनवर्स होता है, जो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो अगर सी वन की जगह हम आर वन रखें तो इसको वन अपॉन आर वन रखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में फिट करेंगे अगर तो। ठीक, क्या रखना पड़ेगा यहाँ, वन अपॉन आर वन इज इक्वल टू इनकी मल्टीप्लीकेशन, यानी वन अपॉन आर ए बी इंटू वन अपॉन आर बी सी प्लस वन अपॉन आर बी सी इंटू वन अपॉन आर ए सी प्लस वन अपॉन आर ए बी इंटू वन अपॉन आर ए सी। ठीक, ये वन अपॉन आर वन ये आ गए तीनों ऊपर की जगह, और नीचे क्या आता था, नीचे क्या आता था, नीचे आता था ये, इसके लिए निकाल रहे ना हम लोग सी वन के लिए, तो सी वन में क्या आता था, ये तीनों का आता था और नीचे आते थे इन दोनों का, इनके इसके सामने वाला आता था, इसके सामने वाला यानी ये बी सी, तो इसके सामने वाला आएगा वन अपॉन आर बी सी। ठीक, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम, आर ए बी आर बी सी और आर ए सी। ठीक, तो क्या आ जाएगा, इधर ऊपर से आर ए बी आर बी सी है तो ऊपर क्या आएगा, आर ए सी आएगा। ठीक है, आर बी सी आर ए सी है तो आर ए बी आएगा। ठीक है, और आर ए बी आर ए सी है तो आर बी सी आएगा। ठीक, और ये है वन अपॉन आर वन, तो आर वन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, आर ए बी आर बी सी और इससे ये नीचे अपॉन में था, नीचे क्या था इसके अपॉन में, इसके अपॉन में एक चीज और ये थी, वन अपॉन आर बी सी, तो आर बी सी से आर बी सी कट गया, तो आर वन की वैल्यू क्या आ गई, आर वन की वैल्यू क्या आ गई, पलट जाएंगे ऊपर, आर ए बी इंटू आर ए सी अपॉन आर ए सी प्लस आर ए बी प्लस आर बी सी, यानी आर वन के जो इधर और इधर हैं, यानी आर ए बी और आर बी सी, आर वन ये है और इसको ये कवर कर रहे हैं, आर ए बी आर ए सी ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आएंगे और नीचे तीनों एडिशन में आ जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये स्टार टू डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये फार्मूला काय का आ गया, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का। ठीक, इसी तरह से हम इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते इससे। ठीक है, यानी हम आर ए बी निकालना है हमको, क्या निकालना, आर ए बी निकालना, तो आर ए बी निकालने के लिए क्या होगा उसका भी हम देख लेते हैं इससे। ठीक, तो इस वाले में फिट करके तो वन अपॉन आर ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन इंटू वन अपॉन आर टू अपॉन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ठीक है, तो ऊपर तो ये आ जाएगा वन अपॉन आर वन आर टू और नीचे आएगा आर वन आर टू आर थ्री, तो आर वन का डिवाइड किया तो ऊपर आएगा आर टू इंटू आर थ्री प्लस आर टू का डिवाइड किया तो आर वन आर थ्री, आर थ्री का किया तो आर वन आर टू। ठीक है, और ऊपर क्या है, आर वन आर टू है, तो आर वन आर टू से आर वन आर टू से आर वन आर
कट जाएगा, ठीक। तो नीचे क्या बचेगा अकेला, आर थ्री, तो वन अपॉन आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आर ए बी ले ले हम, तो आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर थ्री अपॉन आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर थ्री, ये आ जाएगा, ठीक है। ये काहे का आ गया, जब हमने डेल्टा ए स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट किया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला ये आ गया, आर ए बी निकालना है हमें, तो आर ए बी के सामने वाला आर थ्री है जी, अब सामने रहेगा और ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, ठीक। माने आर वन आर टू, ठीक, और आर टू आर थ्री और आर वन आर थ्री, तो इससे दो फॉर्मूला आ गए। हम कंफ्यूजन के लिए ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है। इस समय बात हो रही हमारी काहे की, रेजिस्टेंस की, तो इसलिए ये कंफ्यूजन के लिए हमने ये वाला मिटा दिया। ठीक, तो इससे समझ में आ गया आपके, मतलब अगर हमें जो स्टार का निकालना है, मान लो हमें आर वन फाइंड करना है, तो आर वन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, आर वन फाइंड करने के लिए इसकी और इसका ऊपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे और नीचे तीनों आएंगे, ठीक। और आर ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर ए बी निकालने के लिए इसका सामने वाला लेंगे और नीचे तीनों के मल्टीप्लिकेशन आएंगे, जैसे इसमें, जैसे कि उसमें आए थे हमारे, नीचे तीनों के मल्टीप्लिकेशन आएंगे। तो इससे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा, अगर इसको हम और क्लियर करके देखते हैं, तो अब कंडीशन क्या हो गई, ये 2R हो गए दोनों जोड़ के, कैसे हो गए ये एक और एक दोनों जोड़ के, हम यही करे दे रहे, 2R हो गए, और यहाँ यहाँ जोड़ के भी ये पूरा दो थे सीरीज में, तो ये 2R हो गए। अब क्या है, हमको ये डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना है, तो क्या निकालना हमें, इसके ये वाला निकालना, सपोज करो ये वाला, ठीक। तो ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओ, ये वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओसी निकालने के लिए, या इसमें ओसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इन दोनों करेंगे, जैसे हमें ये वाला निकालना था ना आर वन, तो आर वन के लिए हमने क्या किया था, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया था, तो इसमें किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आर और आर का, ठीक, इन दोनों का, और अपॉन में क्या आएंगे, अपॉन में तीनों आएंगे, तीनों क्या आएंगे, आर प्लस 2R प्लस आर, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, आर स्क्वायर अपॉन 4R, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बाई 4, इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी, आर वाई 4, ठीक। अब क्या निकालना है हमें, इसका निकालना, सपोज करो किसका निकालना, ओ ए निकालना है, तो ओ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे, आर और 2R का मल्टीप्लीकेशन लेंगे, अपॉन में यही आ जाएगा 4R, तो ये आ जाएगा
टू जा फोर, आर से आर, आर बाई टू, तो ये वाला कितना आ गया हमारा आर बाई टू, और फिर ये वाला कितना आएगा ये वाला। इस वाले के लिए क्या करेंगे हम, इन और इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी आर टू आर का ओ डी इज इक्वल टू आर और टू आर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे है, अपॉन में तीनों फोर आर आएंगे, तो ये भी हो जाएगा आर बाई टू, तो ये भी हो गया हमारा आर बाई टू। ठीक, अब हम इसको बना लेंगे अलग से। ठीक, इसको कैसे बना लेंगे, ये कितना आया था हमारा आर वाई टू आया था, ये कितना आया था आर वाई फोर आया था, और ये कितना आया था आर वाई टू आया था, और ये कैसा है टू आर है, और ये कैसा है आर है। तो अब क्या आ गया, ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, इन दोनों का ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, तो सीरीज में क्या होगा आर बाई फोर और टू आर कितना होगा बताएं, आर बाई टू और फोर, आर बाई फोर और टू आर कितना होगा, आर बाई फोर और टू आर, तो फोर एल सी एम आर प्लस एट आर, यानी नाइन आर बाई फोर आएगा, ये ऊपर का कितना आएगा 9R by 4, और नीचे का कितना आएगा नीचे का, तो अगर हम इसको और सॉल्व करें, इसको और सॉल्व करें, R by 2 तो ये आया 9R by 4, और इसका कितना आएगा आर बाई टू और आर, ये आएगा थ्री आर बाई टू, ये कितना आएगा थ्री आर बाई टू। ठीक, अब ये दोनों कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। ठीक, पैरेलल में जुड़े हैं तो इनका सॉल्व करेंगे, तो 4 अपॉन 9 आर प्लस 2 अपॉन 3 आर, ये आएगा 9 आर एलसीएम आएगा, और 4 3 3 या 9 प्लस 6, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 9 आर अपॉन 10। ठीक, अब क्या हो गया कंडीशन, ये पूरा आ गया 9R अपॉन 10, 9R अपॉन 10 में R by 2 जोड़ेंगे। ठीक, तो R by 2 प्लस 9R by 10, 10 LCM लेंगे तो 5R प्लस 9R, तो ये हो जाएगा 14R अपॉन 10, यानी 7 बाई 5 आर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7 बाई 5 आर। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने एक जो है काफ़ी डिफिकल्ट जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड जो है एक वो था कॉम्बिनेशन, जिसको हमने स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन से सॉल्व कर लिया। ये हमें फॉर्मूला थोड़ा देखने में कठिन लगता है, लेकिन है नहीं कठिन, है इसलिए कठिन नहीं क्योंकि अगर आर आर की वैल्यू सेम है, सपोज करो अगर आर आर की वैल्यू सेम है
तो आर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आर 3 आर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 सीधी। आर वन इज इक्वल टू, अगर ये सब आर है तो ये आर स्क्वायर और ये 3 आर, 3 आर ये हो जाएगा आर बाई 3। तो ये जितने भी अगर सेम होते तो क्या हो जाता, सबको हम आर बाई 3 रख लेते, तो सरल था कि नहीं था। इसी तरह से इस केस में अगर हम देखें, इस वाले केस में, तो अगर मान लो सब सेम होते, ठीक है, तो इनको सबको हम क्या कर लेते, इसको मान लो हम सबको आर रख लेते, तो यहाँ को क्या हो जाता, आर 3 आर स्क्वायर हो जाता, 1 2 3 3 आर स्क्वायर हो जाता, 1 आर स्क्वायर, 1 का दूसरा आर स्क्वायर, 3 आर स्क्वायर में आर ऊपर था, तो इसका क्या आ जाता हमारा 1/3 आर आ जाता। क्यों आ जाता, क्योंकि ऊपर आर रहता, नीचे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये 3 आर स्क्वायर, वहां से आर कट जाता तो 1/3 आर आता, ठीक। तो इससे ये क्या हो जाता हमारा, जो है स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट हो जाता। तो थोड़ा सा बोर्ड पे काफी घुचर पुचर हो गया है, लेकिन आपको एक एक चीज क्लियर कर दी है, ठीक है, समझने में बहुत इजी है कि अगर हम कन्वर्ट करते हैं डेल्टा टू स्टार, तो क्या करना है हमें, उनकी जो जिसकी जैसी मान लो हमें क्या कर रहे थे, हम आर वन को कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक, इसमें डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे थे, इसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम ऊपर वाले की, ठीक। तो ऊपर वैल्यू वाले की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता, इनका और इनका जो कवर कर रही है उसको, उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता और नीचे तीनों को ऐड करना पड़ता। तो बहुत ईजी है, फॉर्मूला रटने की देर है बस, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। इसको हम दूसरी तरह से किरचॉफ लॉ से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। वो किरचॉफ लॉ से कैसे सॉल्व करेंगे हम, फिर किरचॉफ लॉ से कैसे सॉल्व करेंगे इस वाली प्रॉब्लम को। अब इसी प्रॉब्लम को हम किरचॉफ लॉ से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ से करंट, ये बैटरी जुड़ी है, यहाँ से करंट I1 I2 जा रही है, I1 प्लस I2 जा रही है, ठीक। तो I1 यहाँ जाएगी और I2 यहाँ जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने की है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस 2R और 2R के बीच में रहेगा वो सेम होगा, क्योंकि 2R में भी ये और ये 2R है ना, मतलब AD और CD के बीच में, BC के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ भी 2R जुड़ा है, यहाँ भी 2R जुड़ा है, तो
तो अगर यहाँ करंट आई टू जा रही है तो यहाँ भी करंट आई टू ही फ्लो होगी, ठीक। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सिमेट्री से देखा हमने, यहाँ पे हो जाएगी आई वन माइनस आई टू, ठीक। और यहाँ पे आई टू जा रही थी और यहाँ पे से आई वन माइनस आई टू आ रही थी, तो यहाँ भी सिमेट्री के अनुसार आई वन करंट ही फ्लो करेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी दो ठीक, तो ये जो है हम दो सर्किट ले लेंगे, इसमें करंट कैसी फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और इसमें करंट कैसी फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो हम ये वाला सर्किट ले लेंगे, सी डी बी, ठीक। इसमें जब लेंगे हम तो क्या आएगा, आई वन माइनस आई टू आर प्लस आई वन आर माइनस टू आई टू आर इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे इसमें, तो आई वन आर माइनस आई टू आर प्लस आई वन आर माइनस टू आई टू आर इज इक्वल टू जीरो। तो आई टू और टू आई टू ये हो जाएगा, ये दोनों जो हो जाएंगे टू आई वन आर माइनस थ्री आई टू आर इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा टू आई वन आर इज इक्वल टू थ्री आई टू आर, ठीक है। आर से आर कट जाएगा, आई वन इज इक्वल टू थ्री आई टू वाई टू हो जाएगा, ठीक। ये एक रिलेशन आ गया आई वन आई टू, और यहां से देखेंगे हम तो क्या होगा, आर डैश आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई टू टू आर प्लस आई वन आर, ठीक। तो यहां से क्या हो गया, आर कॉमन ले लिया तो आई वन प्लस टू आई टू आ गया, ठीक है। आर डैश इज इक्वल टू क्या था, आई वन प्लस आई टू था, ठीक। तो अब आई वन प्लस टू आई टू है तो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। आई वन रख लेंगे और आई टू रख लेंगे, ठीक। तो सारे को इनको हम चेंज कर लें आई वन के फॉर्म में, ठीक। सबको हम कायमेज कर ले, आई टू के फॉर्म में चेंज कर ले रहे हैं। इसकी जगह भी हम लग जाएंगे थ्री वाई टू आई टू, और ये तो आई टू है ही, ठीक। और ये आर, ये आई वन की जगह रख लेंगे थ्री वाई टू आई वन प्लस टू सॉरी आई टू, और ये टू आई टू, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, आर डैश फाइव आई टू अपॉन टू इज इक्वल टू
आर सेवन आई टू अपॉन टू, ठीक। तो यहां से क्या हुआ, टू से टू कैंसिल हो गया, आई टू से आई टू कैंसिल हो गया, तो आर डैश की वैल्यू क्या हो गई, 7y5 आर। तो इससे भी निकल आया किर्चॉफ लॉ से। तो इस तरह से हमने अभी कैसे सॉल्व किया था उसे, फिर उसे किया था हमने डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन से किया था, वैसे हमने किर्चॉफ लॉ से भी सॉल्व कर लिया। तो ये इस तरह से सॉल्व हो सकते हैं, इस तरह से जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक, वो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक। और तरीका बताएं एक आध इस तरह के कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के, जैसा हमने उसे बताया था उसमें सिमेट्री ली थी क्यूब की, उस तरह से क्यूब की सिमेट्री लेके यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक। जैसे ये क्यों है, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, प्रत्येक इसकी आर में रेजिस्टेंस आर जुड़ा हुआ है। बारह इस तरह से रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं इसमें, ठीक। तो इसके बीच में रेजिस्टेंस निकालना डायगोनली अपोजिट के बीच में, तो हम क्या क्या आएगा इसमें डायगोनली अपोजिट के बीच में क्या आएगा, ये करंट पहले इसमें इक्वली तीन पार्ट में डिवाइड होगी, और फिर जो डिवाइड करंट है फिर इक्वली दो पार्ट में डिवाइड होगी। देखिए यहाँ से ये तीन पार्ट में डिवाइड हुई, फिर ये गई, फिर ये दो में डिवाइड हुई, ये गई फिर दो में डिवाइड हुई, ये गई फिर ये दो में डिवाइड हुई। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे 6i करंट मान लें, और 6i करंट को पहले 2i 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 में डिवाइड कर दें, 2i 2i 2i, ठीक। फिर ये 2i यहाँ जाके i i में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक। i i ठीक i i, और फिर ये i इधर से आ रही, ये आई इधर से आ रही हो, ये आई इधर से आ रही, इधर फिर 2i हो जाएगी, ठीक। ये आई आ रही है, और यहाँ से
ये आई आ रही हो, ये आई आ रही तो यहाँ टू आई हो जाएगी, और यहाँ से ये आई आई और यहाँ आई आ रही तो ये टू आई हो जाएगी, तो यहाँ से फिर सिक्स आई निकल आएगी। तो ये सिमेट्री से दिख रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, ये वाला सर्किट ले लेंगे सीधा, यहाँ से ये लौट आएगा ऐसे हमारा सर्किट, ठीक है। ये जब सर्किट लेंगे तो ये इसका रेजिस्टेंस अगर टोटल मान लो आर डैश इंटू सिक्स आई इज इक्वल टू टू आई आर प्लस आई आर प्लस टू आई आर, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आर डैश सिक्स आई इजल टू फाइव आई आर, तो आई से आई कट गया, आर डैश की वैल्यू क्या आई, फाइव अपॉन सिक्स आर, ठीक है, हो गया ये। इस तरह से हम किरचॉफ लॉ से इनको सॉल्व करते हैं, ठीक।